आज की वीडियो में जानेंगे हम अपनी मोटर पर स्टार कनेक्शन कब करते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क भी करते हो तो भी आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बिना देर करे फटाफट जान लेते हैं आखिर हम अपनी मोटर को स्टार में कब चलाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जो हमारा थ्री फेस सिस्टम होता है, यानी कि हमारी जो थ्री फेस सप्लाई होती है या हमारा थ्री फेस मोटर होता है, उसमें ही ये सिस्टम होता है हमारा स्टार का और डेल्टा का। स्टार, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, यानी कि आपको अगर स्टार और डेल्टा में फर्क नहीं मालूम होगा तो आप स्टार में कनेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको छोटे से पॉइंट में ये बता देता हूं आखिर स्टार क्या होता है और दोस्तों डेल्टा क्या होता है। तो दोस्तों आपको हमारे मोटर में, थ्री फेस मोटर में आपको तीन वाइंडिंग देखने को मिलती है, और तीन वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे करने हैं आप इसी से समझ जाएंगे स्टार और डेल्टा। दोस्तों कनेक्शन को ही हम बोलते हैं, दो तरह से हमारी मोटर के कनेक्शन होते हैं, स्टार में और डेल्टा में। तो दोस्तों जब आपको तीन वाइंडिंग इस तरीके से देखने को मिलेगी, और जहां पर हम मोटर का कनेक्शन कर देते हैं, जहां पर मोटर की प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं ये मोटर की प्लेट है, वहां पर आपको कुछ इस तरीके से छह पॉइंट देखने को मिलते हैं। टोटल कितने पॉइंट दोस्तों? छह पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ इस पे नंबर भी लिखा देखने को मिलेगा, जैसे U1 हो गया, V1 हो गया या W1 हो गया। दोस्तों इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे हम यहां लिख दें V2 हो गया, और दोस्तों W2 हो गया या हमारा U2 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि 1 भी देखने को मिलेगा और 2 भी। और जिस तरीके से हमारे मोटर की बाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे U1, V1 और W1। दोस्तों ये मैं बाइंडिंग बता रहा हूं और ये मैं बता रहा हूं मोटर की प्लेट, और दोस्तों ये U2 और ये V2 आपको इससे पहचानने में आसानी होगी कि हमारी बाइंडिंग का सिरा है, ये जो है ना बाइंडिंग के सिरे होते हैं। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, उसको हम एक सिरे को क्या कर देते हैं, हम तीनों को उठाकर हम क्या कर देते हैं, इनको शॉर्ट कर देते हैं, और इस तरफ जो होता है दूसरी तरफ अपनी सप्लाई जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर हमने आर फेज जोड़ दिया, यहां पर वाई फेज जोड़ दिया और यहां पर बी फेज जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से देखने को मिलते हैं आपको स्टार कनेक्शन। तो इसमें मैं आपको दिखाऊं स्टार कनेक्शन हम जब करते हैं मोटर की प्लेट पे तो कैसे करते हैं, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, जो हमने यहाँ पे जोड़ा है ये मैंने आपको दिखाया है, और यहाँ पर हम सप्लाई कनेक्ट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किए आर वाई बी। तो दोस्तों मोटर की प्लेट पे आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। तो स्टार कनेक्शन तो आप समझ गए, अब एक बार समझ लेते हैं डेल्टा कनेक्शन, और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर हमको मोटर को स्टार में किस सिचुएशन में चलाना है और किस सिचुएशन में हमको डेल्टा में ऑपरेट करना है अपनी मोटर को। तो दोस्तों मोटर में तो तीन ही वाइंडिंग होती है, अब हम डेल्टा कनेक्शन को समझने वाले हैं कि डेल्टा आखिर डेल्टा में कनेक्शन किस तरीके से किया जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों वाइंडिंग तो तीन ही होती है हमारे मोटर में, और दोस्तों कुछ मोटर की प्लेट भी आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, मोटर की जो प्लेट होती है, और वहां पर आपको छह पॉइंट देखने को मिलते हैं, टोटल जो होते हैं छह पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस पे क्या लिखा होता है, जैसे यहां हो गया, इसको हम नाम देते हैं U1, V1 और W1, और इसी तरीके से हम इसको नाम देंगे U2। दोस्तों ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा है, इसको हम इसी तरीके से इस पर आपको नाम देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारा V2 और ये हो गया हमारा W2। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसमें हम एक चीज का ध्यान रखते हैं डेल्टा में, जैसे हमने यहां पर जोड़ दिया R, यहां पर जोड़ दिया R, यहां पर वाई और यहां पर बी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमने शॉर्ट किया था, हमारा जो स्टार कनेक्शन था उसमें हम शॉर्ट करते हैं, एक सिरे को शॉर्ट कर देते हैं ऐसे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते डेल्टा में। डेल्टा में क्या करते हैं, हम इसको उठाएंगे, इसको उठाकर मैं यहां पे दूंगा, और इसको उठाकर मैं यहां पे दूंगा, और इसको उठाकर मैं यहां पे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन करने होते हैं। ये हम यहां पे कनेक्शन कर दिए, यानी कि हमारा आर फेस यहां भी चला गया और यहां भी चला गया, और आर फेस यहां भी चला गया और यहां भी चला गया। और दोस्तों हम ये बी फेस भी यहां से उठाएंगे और यहां से घुमा के ले जाएंगे और अपने VU1 पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मोटर की प्लेट पे किस तरीके से करने होते हैं ये कनेक्शन, जैसे U1 हो गया, ये V1 हो गया और ये हो गया हमारा W1। और इसी तरीके से यहां पर U1 नहीं रहेगा इसके सामने क्या रहेगा, V2 रहेगा, यानी कि जो यहां पे आना था वो यहां पे हम जोड़ देते हैं, जो हमारी मोटर की प्लेट होती है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया W2, और दोस्तों ये हो गया हमारा U2। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे मोटर पे लिखा हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे कनेक्शन, हम इसमें ऐसे करेंगे, इन दोनों को ऐसे शॉर्ट, इन दोनों को ऐसे शॉर्ट और इन दोनों को ऐसे शॉर्ट, और दोस्तों यहां पर कनेक्शन कर देंगे R, Y और B। ये हो गया हमारे स्टार कनेक्शन, सॉरी दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से होते हैं और दोस्तों स्टार कनेक्शन किस तरीके से होते थे, जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार कनेक्शन। तो दोस्तों डेल्टा समझ गया, अब दोस्तों आप स्टार भी समझ गए और डेल्टा भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन होंगी जब हम स्टार में कनेक्शन करेंगे और किस सिचुएशन में हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। तो फटाफट जान लेते हैं।
तो मुख्य सवाल हमारा यही था, व्हेन यूज इन्वर्टर स्टार कनेक्शन। तो दोस्तों ये सिचुएशन तब आती है अगर हमारी मोटर पर 30% या उससे कम लोड हो, तो उस कंडीशन में हम क्या चलाते हैं, हम मोटर को स्टार में चलाते हैं। तो दोस्तों ये कैसे पता लगेगा कि हमारी मोटर पर 30% या उससे ज्यादा लोड है, इसको हम कैसे पता निकालेंगे? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। सपोज करो दोस्तों हमारी कोई 10 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, हमको पता लगाना है कि हमारी मोटर पर कितना लोड चल रहा है। अगर 30% लोड चलने वाला है तो हम स्टार में चलाएंगे, 30% या उससे ज्यादा लोड चलने वाला है तो फिर हम चलाएंगे अपनी मोटर को डेल्टा में। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यही पता करना है कि हम कैसे निकालेंगे कि 30% लोड है या उससे ज्यादा लोड है। तो लोड निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अपनी मोटर के एम्पियर निकालने पड़ेंगे। तो एम्पियर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एम्पियर इजकल टू पावर, यहां पर पावर होती है वाट में दोस्तों, और हमारा इजकल टू आएगा इसका वोल्टेज इनटू अंडर रूट थ्री वहां पे आता है थ्री फेज सप्लाई में। अगर थ्री फेज सप्लाई का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पर अंडर रूट थ्री का मान जरूरी हो जाता है रखना। तो दोस्तों और यहां पर लिखेंगे हम पावर फैक्टर 0.8, हमारा पावर फैक्टर हो गया, हमारी जो मोटर है उसका पावर फैक्टर है 0.8। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों हमारी पावर तो है एचपी में, तो एचपी को जब हम वाट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम एचपी कितना है 10 एचपी हो गया हमारा इनटू हमारा 746 आ जाएगा, यानी कि 746 से गुना करेंगे हम 10 एचपी की, तो हमारा निकल कर आएगा 7460, यानी ये निकल कर आया हमारा वाट, इतना वाट आ गया, यानी कि हमारी जो 10 एचपी की मोटर है उसके वाट की वैल्यू है 7460। तो दोस्तों अब हम करंट निकालेंगे इसका। करंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसमें बस वैल्यू पुट करते जाना है, बड़ी आसानी से आप इसका निकाल लेंगे। तो दोस्तों 7460 और यहाँ वोल्टेज हमारे कितने थ्री फेस में, जो स्टैंडर्ड है वो रख लेंगे। अगर आपके पास वोल्टेज चेक करके लिख सकते हैं आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं मोटर पर, तो वो आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम अंडर रूट थ्री का मान होता है 1.732 और इनटू पावर फैक्टर होता है हमारा 0.8। और दोस्तों हम इसका कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, इसका कैलकुलेशन निकल कर आएगा 575.024। दोस्तों ये निकल कर आएगा इसका, तो अभी हम 0.024 को भूल जाते हैं, अभी 575 है हमारा 7460। तो जब इसको हम 575 से 7460 को भाग देंगे तो हमारा निकल कर आता है दोस्तों टोटल 12, यानी कि हमारा एम्पियर कितना आ गया दोस्तों, 12 एम्पियर आ गया। एम्पियर हमारा इजकल टू 12, यानी कि हमारी जो 10 एचपी की मोटर है वो 12 एम्पियर करंट लेगी अगर उस पर ये वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे और पावर फैक्टर है उसका 0.8। तो दोस्तों अगर आपकी मोटर 12 एम्पीयर करंट ले रही है तो आपको अपनी मोटर को डेल्टा में चलाना चाहिए, यानी कि आप डेल्टा में कनेक्शन करके चला सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम करंट ले रही है तो हम कैसे पता करेंगे, 30% निकाल लेते हैं हम सबसे पहले इसका, यानी कि हमने जो बात की थी वो 30% की, अगर 30% या उससे कम करंट ले रही है तो उसमें चलाएंगे हम स्टार में, यानी कि अगर 30% या उससे कम करंट लेगी तो स्टार में चलाएंगे, अगर हमारी मोटर इतना करंट ले रही है तो हम उसमें डेल्टा में चलाएंगे। तो 30% कैसे निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। परसेंटेज निकालने के लिए होता है, हमें कितना परसेंट निकालना, 30% निकालना, और इनटू किसका 30% निकालना, हमें 12 का 30% निकालना है, 12 एम्पीयर का ही तो 30% निकालना है दोस्तों। तो 12 एम्पीयर का जब हम 30% निकालने जाएंगे तो हम जब इनका कैलकुलेशन करते हैं, 10 से 10 कटी, 3 चौका 12, और दोस्तों हमारा आ गया 3.6, यानी कि हमारा कितना आ गया 3.6 एम्पियर, क्योंकि हमारी वैल्यू 12 किसमें थी, एम्पियर में थी, तो 3.6 एम्पियर आ गया हमारा, यानी कि इतना करंट आ गया हमारा, ये 30% आ गया दोस्तों। जो हमारी 10 एचपी की जो मोटर है दोस्तों उसका जो 30% निकल कर आया है वो निकल कर आया है दोस्तों, 30% निकल कर आया है 3.6 एम्पियर। अगर दोस्तों हमारी मोटर 3.6 एम्पियर तक करंट ले रही है तो आप उसको स्टार में चला सकते हैं। अगर वो इससे ज्यादा करंट लेगी, इससे ज्यादा करंट ले रही है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा उसको डेल्टा में ही चलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम 30% लोड से कम में या 30% या उससे कम लोड में हम उसको स्टार में चलाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो मोटर होता है दोस्तों उसकी एफिशिएंसी है ना बहुत ज्यादा घट जाएगी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी वो चीज होती है कि सपोज करो हम उसको इनपुट में तो हमने फुल एम्पियर जोड़ दिया, यानी कि 12 एम्पियर जोड़ दिए, लेकिन वो यूज कर रही है कितना, केवल यूज उसको चाहिए 3.6 एम्पियर, हमने लोड ही 30% डाला है, लेकिन हम उसको कितना दे रहे हैं, 12 एम्पियर दे रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट में क्या दे रही है, फिर आउटपुट में तो हमको कम दे रही है पावर, यानी कि आउटपुट में वो पूरा काम नहीं कर रही, 100% काम उससे हम ले ही नहीं रहे हैं, हम केवल उससे जो काम ले रहे हैं दोस्तों
वो सिर्फ 30% काम ले रहे हैं, तो यही होता है कि हमारी मोटर की एफिशिएंसी घट जाएगी। तो इसीलिए हमको मोटर को फटाक से स्टार में कनेक्ट कर देनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन कि आखिर हम मोटर को स्टार में कब चलाएंगे और डेल्टा में कब चलाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।